अच्छा सर लाइब्रेरी लखनऊ से लखनऊ से बंगाली शादी के बाद गई लखनऊ लखनऊ बहुत आपकी मैम दो मेन डिशेस कौन सी हैं आपकी एक सेकंड इनको शेफ आ जाए शेफ सब लोग आ गए शेफ अंदर गए शेफ वैभव शेफ प्लीज आ जाइए चलो एक है क्वालिटी से मैंने ये मिठाई बनाया जो पारंपरिक के हिसाब से ये मैंने काफ़ी सर्च किया पहले ज़माने में लोग मावा या आजकल बहुत लोग दूध भी लेना पसंद नहीं करते बहुत लोग मतलब सूट नहीं करता तो उस वही सब सोच के मैंने इसे कोकोनट क्रीम यूज किया और गोभी को पहले मैंने खोलता हुआ पानी से धो के फिर इसको ब्रेड करके मैश करके उसके साथ मैंने कोकोनट क्रीम मिलाया गुड़ मिलाया और इलायची और सैफरन दूध में सो करके वो फिर कोकोनट मिले ये सब मिला के मैंने बनाया इसमें ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं गोभी है इसमें और कोकोनट हाँ फूल गोभी और कोकोनट मैं समझ गया मतलब गोभी है और कोकोनट है कोकोनट मिल्क है और ठीक है जी जी समझ क्या क्या छिलके हैं लौकी का छिलका सॉफ्ट होना चाहिए लेकिन कोई भी छिलका और कद्दू का छिलका जो सॉफ्ट तरोई का छिलका और आलू का छिलका पांच नहीं हुए चार हुए केला 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 वेरी नाइस कम से कम इससे ज्यादा भी आप इससे ज्यादा सर आपने पाँच से डेमो हमने बोला कि हर बार बेचारे कंटेस्टेंट की ना पूरी थाली खराब हो जाती है हम प्रादेशिक थाली लास्ट तक सब देखें इसलिए नाजी आप भी आइए बहुत स्वादिष्ट This is what we are looking for. जैसे आजकल मिड डे मील स्कूल में दिया जाता है बच्चे बीमार पड़ जाते हैं ये सब खाना अगर वो लोग यूज करें तो कभी बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे मैं हमेशा ट्रेडिशनल ढूंढती और प्लेटर शेयर वेबसाइट है मेरा उसमें 600 से ऊपर रेसिपीज है और मेरा यूट्यूब चैनल है नानन शादी गीता मैं यूट्यूबर हूँ She is a single parent and doing a lot of stuff for Ruth. क्योंकि पहले जमाने में ना शादी में मिठाई जो जाती थी उसमें कुछ ना कुछ शेप दिया जाता है मछली जो है शुभ होता है इसलिए मैंने मछली को ही रखा लेकिन ये इसमें मतलब वो है लोग पहले डर जाते कि मछली शेप की धन्यवाद थैंक यू छुटका सुनते हमारे नाम मोदी